हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण, रोचक और उपयोगी विषय के बारे में जानेंगे, बल और दाब, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फोर्स एंड प्रेशर। यह विषय आपको भौतिकी के बारे में जानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसके हर एक पहलू के बारे में विस्तार से जानना होगा। अतः इसे हमने दो भाग में विभाजित किया है। यह वीडियो भाग एक का विवरण करता है, जिसमें हम मुख्यतः बल और उससे जुड़े उसके गुणों के बारे में जानेंगे, और भाग दो में हम बल के कुछ प्रकार और दाब के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि भौतिकी का मूल स्वरूप बल को जानने से ही उत्पन्न होता है। तो इस वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले बल की परिभाषा, दैनिक जीवन में बल का प्रयोग, बल किस कारण उत्पन्न होता है, बल का वैज्ञानिक इतिहास, बलों की खोजबीन, बल लगाने से क्या क्या हो सकता है, बल के क्या क्या प्रकार हैं और वैज्ञानिक रूप से बल के मौलिक प्रकार क्या क्या हैं। सबसे सरल और साधारण भाषा में कहा जाए तो किसी भी वस्तु पर लगने वाले धक्के या अभिकर्षण या खिंचाव अपकर्षण को ही बल कहते हैं, परंतु यही परिभाषा वैज्ञानिक और वास्तविक परिभाषा है। इंग्लिश में कोई भी पुश या पुल को ही बल कहते हैं, यानी फोर्स। बल के बारे में विस्तार से जानने से पहले हमारे दैनिक जीवन में बल की वास्तविकता और उसका क्या प्रयोग है, हम ये जान लेते हैं। किसी भी वस्तु की गति में परिवर्तन करना, उसकी गति की दिशा बदलना, किसी वस्तु को रोकना या उसे स्थिर स्थिति से गति में लाना, या किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन लाना, ये सभी कार्य बल के प्रयोग से ही होते हैं। हमारे चलने, बैठने, भागने, उठने आदि दुनिया के हर छोटी से छोटी प्रक्रिया से लेकर ब्रह्मांड में ग्रहों और तारों के चाल चलन में बल का ही इस्तेमाल होता है। बल एक ऐसी घटना है जिसके घटित हुए बिना हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। इन सभी कार्यों में बल का ही उपयोग आता है। तो अब हम जानते हैं कि बल किस कारण लगता है। तो किसी भी प्रकार का बल लगने या लगाने के लिए कम से कम दो वस्तुओं में अन्योन क्रिया होना अति आवश्यक है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई आदमी एक कार के पीछे स्थिर खड़ा हुआ है, क्या उसकी उपस्थिति के कारण ही कार गति में आएगी? नहीं आएगी। अब मान लीजिए कि वह आदमी कार को धक्का लगाना प्रारंभ करता है, अर्थात वह इससे अन्योन क्रिया करता है और कार पर बल लगाता है। कार लगाए गए बल की दिशा में गति प्रारंभ करती है। इसमें ध्यान दीजिए कि कार को गति देने के लिए आदमी को इसे धक्का लगाते रहना हो चाहिए। इस प्रकार हमें समझ में आता है कि दो वस्तुओं के बीच अन्योन क्रिया के कारण ही उनके बीच बल लगता है। दोस्तों, बल के बारे में जानने के लिए हमें उसके वैज्ञानिक इतिहास के बारे में भी जानना चाहिए। भौतिक रूप से बल की परिभाषा देने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक थे आर्किमिडीज, जिन्होंने जल में तैरती वस्तुओं पर जल के द्वारा लगाए गए बल का विवरण दिया, जिसे आप आर्किमिडीज का सिद्धांत नाम से आगे पढ़ेंगे। फिर आए भौतिक दुनिया के एक सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइज़ैक न्यूटन, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की, जो कि विज्ञान की दुनिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज थी। इसीलिए उनके सम्मान में बल की इकाई यानी यूनिट को न्यूटन नाम दिया गया, और विज्ञान में सामान्यतः बल को एफ चिन्ह से दर्शाया जाता है। तो अगर आपने किसी वस्तु पर 10 के प्रमाण का बल लगाया तो आप कहेंगे कि मैंने उस पर 10 न्यूटन का बल लगाया।
बलों के बारे में कुछ और अधिक जानने का प्रयत्न करते हैं। अच्छा, एक वास्तविक उदाहरण लेते हैं। कोई भारी वस्तु जैसे मेज या संदूक लीजिए, जिसे आप जोर से धकेलने पर ही गति में ला सकें। इसे अकेले धकेलने का प्रयत्न कीजिए, क्या आप इसे खिसका पाते हैं? अगर नहीं, तो अब अपने किसी मित्र से कहिए कि बक्से को उसी दिशा में धकेलने में आपकी मदद करें। क्या अब इसको खिसकाना आसान है? क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? अब उसी वस्तु को फिर से धकेलिए, लेकिन इस बार अपने मित्र से कहिए कि वह इसे विपरीत दिशा में धकेले। क्या वस्तु गतिमान होती है? यदि यह गति में आती है, तो इसकी गति की दिशा को नोट कीजिए। और क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप में से कौन अधिक बल लगा रहा है? उदाहरण में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर से हमें क्या निष्कर्ष प्राप्त होता है? हमने समझा कि किसी भी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं, और यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, तो उस पर लगने वाला कुल बल या नेट फोर्स दोनों बलों के अंतर के बराबर ही होता है, जिसकी वजह से बक्से को गति मिलती है। इस प्रकार हमने सीखा कि एक बल दूसरे बल से बड़ा, छोटा या बराबर भी हो सकता है। और मैंने जैसे बताया था कि बल को दर्शाने के लिए F चिन्ह का उपयोग होता है, वैसे ही बल की प्रबलता को दर्शाने के लिए इसके परिमाण को मापा जाता है। बल एक सदिश राशि होती है, मींस वेक्टर क्वांटिटी, जिसका उल्लेख करने के लिए उसके परिमाण के साथ साथ उस दिशा का भी उल्लेख करना आवश्यक है जिसमें बल को लगाया गया है। यदि लगाए गए बल के परिमाण या दिशा में परिवर्तन किया जाए, तो उसका प्रभाव भी बदल जाता है। आइए अब ज्ञात करें कि जब किसी वस्तु पर बल लगता है तो क्या होता है। किसी भी वस्तु की गति की अवस्था का वर्णन इसकी चाल तथा गति की दिशा से किया जाता है। विराम अवस्था को शून्य चाल की अवस्था माना जाता है। कोई वस्तु विराम अवस्था में अथवा गतिशील अवस्था में हो सकती है, दोनों ही इसकी गति की अवस्थाएं हैं, और केवल बल के प्रयोग से ही गति की अवस्था को बदला जा सकता है। यदि लगाया गया बल गति की दिशा में है, तो वस्तु की चाल बढ़ जाती है, और यदि बल को गति की दिशा के विपरीत लगाएं, तो वस्तु की चाल कम हो जाती है। उदाहरण के लिए, एक फुटबॉल मैच में पेनाल्टी किक लेते समय खिलाड़ी गेंद पर बल लगाता है। किक लगने से पहले गेंद विराम अवस्था में थी, अतः इसकी चाल शून्य थी। लगाए गए बल ने गेंद को गोल की ओर गति प्रदान की। मान लीजिए गोली गोल बचाने के लिए गेंद पर झपटता है। इस क्रिया द्वारा गोली गतिशील गेंद पर बल लगाने का प्रयत्न करता है। उसके द्वारा लगाया गया बल गेंद को रोक सकता है या विक्षेपित कर सकता है और गोल होने से बचा सकता है। यदि गोली गेंद को रोकने में सफल हो जाता है, तो इसकी चाल शून्य हो जाती है। तो ये प्रेक्षण सुझाते हैं कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा उसकी चाल बदली जा सकती है। बल के उपयोग से गति की चाल के अलावा गति की दिशा में भी परिवर्तन लाया जा सकता है। जैसे कि पिछले उदाहरण में, जब गेंद एक खिलाड़ी से दूसरी खिलाड़ी की तरफ जाती है, तो गति की दिशा में परिवर्तन आ जाता है। और अगर हम किसी वस्तु पर उसकी चाल के लंबवत बल लगाएं, तो हम सिर्फ उसकी गति की दिशा में परिवर्तन कर रहे हैं, ना कि उसकी चाल में यानी स्पीड में। परंतु ये जरूरी नहीं कि हमारे कुछ बल लगाने पर वस्तु की गति परिवर्तित ही हो जाए, क्योंकि कोई भी वस्तु उस पर लगने वाले
कुल बल यानी नेट फोर्स के कारण ही अपनी अवस्था में परिवर्तन लाती है। जैसे अगर आप एक भारी बक्से को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं और वो नहीं हिल रहा है, तो इसका मतलब है यह है कि कोई दूसरा बल उसे रोके हुए है, जो कि घर्षण है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और साथ ही गति की अवस्था में परिवर्तन के अलावा हम बल के उपयोग से किसी वस्तु की आकृति में भी परिवर्तन ला सकते हैं। अब देखते हैं बलों के प्रकार। सामान्यतः बलों को दो बड़े हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला संपर्क बल मीन्स कॉन्टैक्ट फोर्स। इस प्रकार के बल का प्रयोग वस्तु को स्पर्श करके ही हो सकता है, उदाहरण के लिए घर्षण, पेशीय बल आदि। दूसरा है असंपर्क बल मीन्स फील्ड फोर्स। इन बलों का प्रयोग वस्तु पर उससे दूर रहकर भी किया जा सकता है, उदाहरण चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल आदि। विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो विज्ञान के अनुसार पूरी दुनिया में सिर्फ चार मौलिक बल विद्यमान हैं। पहला गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा विद्युत चुंबकीय बल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा प्रबल नाभिकीय बल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, चौथा दुर्बल नाभिकीय बल वीक न्यूक्लियर फोर्स। और ये सभी असंपर्क बल होते हैं और इन सभी के बारे में आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अगर परमाणु स्तर पर देखा जाए तो सारे बल असंपर्क बल ही होते हैं और सभी बल उपर्युक्त चार बलों के अंतर्गत ही आ जाते हैं। परंतु क्योंकि सभी परमाणु स्तर पर नहीं देख सकते, इसीलिए हमारी सहूलियत के लिए बलों को संपर्क बल तथा असंपर्क बल में विभाजित किया जाता है। दोस्तों, हमने इस वीडियो में बल, उसके प्रकार, उसके लक्षण और उसके उपयोगों के बारे में जाना। हमने जाना बल का वैज्ञानिक स्वरूप। अब बल और दाब के भाग दो में आप सीखेंगे संपर्क तथा असंपर्क बलों के प्रकार और उनका विस्तार से विवरण और दाब का उल्लेख और कुछ नई बातें। तो बल और दाब का भाग दो जरूर देखें। धन्यवाद।